तो भैया गोकर्ण पक्ष कोई दूसरा नहीं है। जिस श्रीमद् भागवत की कथा को आप आज से सुनने जा रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये जो भागवत है ये वही कल्पवृक्ष है, इसके नीचे बैठकर के आप जो भी आपकी मनोकामना होगी कल्पवृक्ष आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करता है। लेकिन 7 दिन बैठकर के, क्योंकि इसका एक साप्ताहिक अनुष्ठान है, एकदा ही विशालायाम चत्वा ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता दद्दुस्तत्र नारदम्। सप्ताह विधि के बारे में महात्मा बताया जा रहा है कि एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि बालक बद्री नारायण में गए और बद्री नारायण में जाकर के इन्होंने देखा कि सामने से श्री नारद जी आ रहे थे, देवर्षि नारद, जिनके हाथ में क्या है, देवदत्ता इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानश्च राम्यहम्। जिनके हाथ में ये देवदत्त नाम की वीणा है और उस वीणा में केवल केवल श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तो नारद जी को जब देखा तो नारद जी को देख करके उनको ऐसा लगा कि कुछ उदास है, कुछ उदास है, क्या बात है। तो नारद जी से पूछा सनत कुमारों ने कि नारद जी आप तो संत हैं और संत तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, लेकिन आपका चेहरा तो ऐसा लगता है कि आप कोई दुख में हैं, आपको कोई तकलीफ है, तो बताइए ना आपको क्या तकलीफ है। देखिए ध्यान रखना, संत को सत्पुरुष को जो दूसरे का मंगल चाहने वाले लोग होते हैं उनको अपना दुख होता ही नहीं, संत का स्वरूप ही है। दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, कोई सुखी व्यक्ति आया तो उसके साथ सुख बांट दिया, उसके सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए, चलो, उनका अपना कोई सुख दुख नहीं होता है। तो कहा कि अहम तो प्रथम यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं कि भगवान मैंने इस पृथ्वी को परम श्रेष्ठ माना और मन में संकल्प हुआ कि ऐसे किसी स्थान पर हम जाएं जहां मन को शांति मिले। मैं श्रीरंग गया, सेतुबंद गया, काशी में गया, बहुत घूमा पर कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। तीर्थ में जाने से व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, याद रखना, प्रेम से कहिए श्री राधे। केवल गंगा जी में डुबकी लगाने से शांति नहीं मिलेगी, आप लोग पूछेंगे तो फिर शांति कैसे मिले, मन कैसे हमारा शांत हो। तो देखिए महाराष्ट्र के एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम जी, बहुत प्रसिद्ध संत तुकाराम। इनके जीवन की घटना है, एक बार ये, क्योंकि इनका नियम था ये गांव में ना सत्संग करते थे, गांव कथा करते थे और गांव के लोग आके बैठ करके कथा सत्संग सुनते थे। तो एक बार गांव के लोगों ने इनको कहा कि बाबा हम लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ चलिए। इन्होंने कहा भैया मैं अपनी कथा सत्संग छोड़ के नहीं जा सकता। बोले बाबा यदि आप हमारे साथ चलते तो हमको बड़ा अच्छा लगता कि एक संत हमारे साथ है, आप कुछ तो करिए। तो तुकाराम जी ने कहा कि ठीक है, आपको यदि ऐसा ही लगता है कि मैं आपके साथ चलूं, आपको ऐसा अनुभूति बनी रहे, तो उन्होंने ना एक लौकी दी,
लौकी सब्जी जिसकी बनाते हो, दूधी लौकी। और कहा कि जिस तीर्थ में तुम जाना, उस तीर्थ में जाकर के इस लौकी को, जैसे मंदिर में जाओ तो लौकी को भी दर्शन कराना। मैं समझूंगा मैंने ही दर्शन किया। किसी पवित्र नदी में आप डुबकी लगाओ, गंगा जी में, यमुना जी में, तो इसको भी स्नान करा देना। बस मैं समझूंगा मैंने स्नान कर लिया। अब लेकर के उस लौकी को संत से गांव के लोग गए और जाकर के जिस तीर्थ में गए वहीं स्नान किया, तो लौकी को भी स्नान कराया। जिस मंदिर में गए उस मंदिर में उस लौकी को भी दर्शन कराया। जब लौट करके गांव में आए तो जाकर के वो लौकी प्रदान की संत तुकाराम जी को, और बहुत खुश होकर के बोले कि महाराज आपके आशीर्वाद से हम बहुत अच्छी तरह तीर्थ कराए। तो संत तुकाराम जी ने कहा, भैया आप लोग इतने दिनों बाद घर लौटे हो और घर भी अस्त व्यस्त आप लोगों का होगा, तो आप ऐसा करिए कि आज आप भोजन घर में मत बनाएं, मेरी कुटिया में ही भोजन करें। तो लोग तो खुश हो गए गांव के, चलो ये भी सरदर्द गए कि अब जाएं घर में, सब फिर सब अस्त व्यस्त पड़ा है इतने दिनों से, तो चलो बाबा के आए माल उड़ाएंगे प्रेम से, कहो श्री नाथ। तो संत तुकाराम जी ने भोजन बनवाया और उस लौकी की सब्जी भी बनवाई जो तीर्थ करके आई थी ना, उसकी भी सब्जी बनवाई और सारे व्यंजन भी परोसे जो जो बनवाए थे गांव के लोगों के लिए, उस लौकी की सब्जी भी परोसी। जो गांव के लोगों ने उस सब्जी को रोटी से लेके खाया तो सारे गांव के लोगों ने थू थू करके सब बाहर थू सब्जी निकाल दी। बोले बाबा कमाल हो गया, इतनी कड़वी लौकी। तो संत तुकाराम जी ने कहा कि भैया ये तो लौकी वही है जिसको तुम तीर्थ करा के लाए हो, तो क्या इसका अभी तक कड़वापन नहीं निकला? तो गांव के लोगों ने कहा, बाबा कैसी बात करते हो, क्या तीर्थ करने से या इसको नदी में स्नान कराने से क्या इसका कड़वापन निकल जाएगा? तुकाराम जी ने भी कहा, इसी प्रकार से हमारे जीवन का भी कड़वापन केवल तीर्थ यात्रा से और गंगा और यमुना के स्नान से नहीं निकलेगा। हमारे जीवन की जो कड़वाहट है, जो कड़वापन है, वो तो सत्संग से ही जा सकती है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनकादृशियों को कि आज नारद जी ने कहा कि मैं अनेक तीर्थों में गया पर कहीं भी शांति नहीं मिली, मैं यमुना जी के तट वृंदावन में पहुंचा और वहां मैंने देखा एक सुंदर स्त्री यमुना जी के तट पर बैठी है जिसकी युवावस्था है, और वो स्त्री जिसने मुझे देखा मैंने उसको देखा और आवाज लगाई मुझे उसने कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, आवाज लगाई भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिन्ताम अविनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे संत आप तो परम तपस्वी हैं नारद, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। देखिए तिष्ठ का अर्थ क्या होता है संस्कृत में, ठहरो, तिष्ठा तिष्ठा, और उत्तिष्ठा जाओ, तिष्ठा बैठो, माने किसी अच्छे व्यक्ति का, संत पुरुष का, महत्पुरुष का रुकना अच्छा होता है, ठहरना अच्छा होता है, और असंत का जल्दी से जाए।
फ्रेंसी कॉलेज में। तो कहा क्षणम तिष्ठ, एक घड़ी आधी, घड़ी आधी की पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। भागवत में बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, बड़ा प्यारा सूत्र है, स्वस्तये सर्वदेहिनाम। देखिए ये सूत्र को नोट कर लेना, स्वस्तये सर्वदेहिनाम। इस सूत्र का अर्थ यह है कि एक जैसे हम लोग भी यात्रा करते हैं, कभी बिजनेस के लिए जाते हैं, कभी जॉब के यात्राएं होती हैं, कभी पारिवारिक यात्राएं होती हैं, पर उन यात्राओं का कोई महत्व नहीं, वो व्यक्तिगत है। भाई आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप जॉब के, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो अपने लिए जा रहे हैं, लेकिन भागवत में लिखा है स्वस्थ सर्वदेहिना। किसी संत की, किसी महापुरुष की, सदगुरु की जब यात्रा होती है तो व्यक्तिगत नहीं होती है। बुलाए भले एक व्यक्ति, लेकिन स्वस्थ सर्वदेहिना। अब आप सोचो, निमंत्रण मुझे ब्रजभूषण जी ने दिया, लेकिन यहाँ भागवत का लाभ कितने लोगों को मिलता है कि गुरु जी आपको आना है। मैंने निमित्त तो बनाया, लेकिन आप सोचिए तो सही, स्वस्थ सर्वदेहिना। मैं व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं, मंदिर आपका है, हम गत वर्ष आए और आप लोगों ने मंदिर को बहुत सेवा दी थी, पर काम पूरा नहीं हुआ, काम नहीं बने तो बना देंगे भी, अरे जी क्यों नहीं बने, उसी काम को बनाने तो हम आए हैं दोबारा। क्योंकि मुझे यहाँ विशाल देखना है, इस दृश्य को विशाल देखना है। आप लोग मेरी भावना को समझ रहे हो या नहीं मुझे मालूम है। मैं भी न्यू जर्सी में भागवत हमारा हो रहा था, वहां सनातन धर्म सबसे प्राचीन जो मंदिर है, न्यू जर्सी का पहला मंदिर वही है। तो इस अभी पहली भागवत मेरी वही थी और वहां पंडाल बना था बहुत बड़ा, उसमें भक्तों ने कथा को सुना और उसी स्थान पर अब हॉल का पहले भागवत कथा हुई, भूमि पूजन हुआ उसी स्थान पर जहां भागवत हुआ पंडाल लग के, और वहीं पर जो है हॉल का निर्माण हो रहा है। हमको निमंत्रण भी मिल गया है कि अब आपको ही आके पहली भागवत यहाँ करना। तो मुझे भी प्रभु का आंगन छोटा नहीं देखना है, बहुत छोटा आंगन है, बार बार मुझे नहीं कहना पड़े। तो ये आंगन हम जब अपना हाउस लेते हैं तो क्या छोटा लेते हैं या बड़ा लेते हैं? खूब बड़ा बड़ा हमारा घर खूब। तो आपका घर जब बड़ा हो सकता है तो आपके घर से तो कई गुना बड़ा घर हमारे प्रभु का होना चाहिए, तभी तो उस घर की भी शोभा है, तभी तो शोभा है। तो एक संत की, एक महापुरुष की यात्रा व्यक्तिगत नहीं होती है। आज नारद जी को जब भक्ति, वो कोई और नहीं थी, वो साक्षात भक्ति थी। जिस भक्ति को जब नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, आपने मुझे आवाज लगाई तो कहा अहम भक्ति रितिक्षादा इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति और मेरे ये दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति का आभूषण है, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति का, अब मैंने घड़ी देखी 8 से ऊपर हो गया, जाने की जल्दी तो नहीं। अच्छा, वाह, आपका भागवत है।
ये भाग प्रभु तो देखिए भक्ति के दो पुत्र हैं। बस मैं यही आज आपको रात को वृंदावन में विश्राम कराऊंगा, इसलिए मैं यहाँ तक लिख के आया हूँ। भागवत में वृंदावन में आप पहुंच रहे हैं तो आज की रात आप रेनो में नहीं होंगे, कहाँ विश्राम करोगे? तो कहा कि अहम भक्तिर दीक्षाता इमौ मे तनयौ मतौ घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति। ये भक्ति बोल रही है। देखिए एक बात मुझे यहाँ आपको बहुत आवश्यक है जो मुझे बताना है आपको कि भक्ति का स्वरूप क्या है। ठाकुर जी की आप लोग भक्ति करते हैं, भक्ति का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। लोग ये समझते हैं कि भक्ति का मतलब है प्रसन्नता से या अप्रसन्नता। भक्ति का न तो प्रसन्नता से न अप्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति का पहली बात नोट करना, ये भक्ति का लक्षण है प्रसन्नता या अप्रसन्नता। तो फिर आप लोग कहेंगे फिर हम भजन क्यों करें, फिर क्यों करें? हाँ, ये प्रश्न आपका जायज प्रश्न है। भक्ति का प्रसन्नता से अप्रसन्नता से कोई संबंध, कोई इसका ये लक्षण नहीं है, क्योंकि किसी भी स्थिति के प्रति स्वीकारोक्ति लिखा है भागवत में, माने प्रभु का धन्यवाद, ये भक्ति का लक्षण है। आप समझे कि नहीं समझे? चाहे आप प्रसन्न हैं या अप्रसन्न हैं, पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए। समझ गए कि नहीं? आप कोई थोड़ा भी उल्टा हो गया तो आप कितना जल्दी खिन्न हो जाते लोग। मैं तो देखता हूं कि अगर कोई काम नहीं बना तो लोग भोग लग, जैसे मनौती मांगते हैं ना लोग, भाई हम कुछ भोग लगाएंगे, ये करेंगे। भोग लगाना तो दूर, लोग मंदिर में जाने ही छोड़ देते हैं कि हमारा छोटा सा काम नहीं किया प्रभु ने। नहीं, ये भक्ति नहीं। भक्ति दुख नहीं मिटाती, नोट करिए, भक्ति दुख नहीं मिटाती, भक्ति भगवान की हमें दुख सहने की शक्ति प्रदान करती है। ये इसे भक्ति कहते हैं। दुख नहीं मिटाती, दुख सहने की शक्ति देती है भक्ति। सुतौ भागवत में जो आया है घटते जरठा माता तरणौ तक, और फिर आप जैसे जैसे भक्ति करेंगे आपको दुख सहने की शक्ति प्रभु देंगे, और आपकी जैसे जैसे भक्ति में प्रभु में निष्ठा प्रगाढ़ होती जाएगी आपके कार्य भी बनते जाएंगे। पहले दुख सहने की शक्ति देते हैं। तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। आज कहते हैं कि धन्य है भक्ति आप और धन्य है श्री वृंदावन, क्योंकि भक्ति ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे पुत्रों को स्वस्थ कर दीजिए, लेकिन नर जी ने कहा कि भक्ति महारानी इस वृंदावन में आपके ग्राहक तो हैं, लेकिन आपकी पुत्रता यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां आपको ज्ञान चर्चा नहीं मिलेगी, आप कहीं भी, आप जहां भी जाएंगे वहीं जय जय श्री राम। भक्ति प्रेम राधा रानी के नाम का गूंज होगी, गूंज। लेकिन नारद जी ने भक्ति को कहा कि भक्ति महारानी मैं आपके पुत्रों को भी स्वस्थ करूंगा कि जयते जगते माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलयो ध्रुवपदमपि यातो
यत कृपा तो ध्रुवोयम् शकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रम् नतास्मि। भक्ति ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरह दुखम गमिष्यति। देखिए कितने बढ़िया।